तो कुछ टाइम पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में तुम सभी से पूछा था कि नेक्स्ट वीएस बैटल किस पर बनाऊं, तो काफी लोगों ने कमेंट्स किए जैसे WWE रेसलर्स वर्सेस टेकन करेक्टर्स, रेजिडेंट इविल वर्सेस टेकन डेविल, डोरमामू वर्सेस ट्राइगोन, DXD वर्सेस डेविल जिन। एक मिनट, DXD ये कौन है? पता नहीं। गोकू वर्सेस गोजो, काजुया मिशिमा वर्सेस यूजीरो हानमा, और यहाँ तक कि किसी ने कमेंट कर दिया मिया खलीफा वर्सेस सनी लियोनी, और ऊपर से 4 लाइक भी है। सो इसलिए ये सब देखने के बाद मेरा मन कर रहा था भाई मुझे कोई जहर दो। मम्मी मैं अब ये जिंदगी जीना नहीं चाहता यार, नहीं मैं संन्यास ले रहा हूँ इस जिंदगी से। एंड इसलिए मैंने खुद ही एक मस्त सा वीएस बैटल निकाला है जिसमें मैं बात करूंगा टेकन के एंडिंग बैटल में एंजल जिन और ट्रू डेविल काजुया में फाइट हुई थी तो उसमें ज्यादा पावरफुल कौन था। अब हाँ, तुम सोचोगे ये क्या बकवास है, इसका आंसर तो हमें गेम में ही पता चल गया था ना, दोनों इक्वली पावरफुल है। बट मैं कहूंगा नहीं, यहाँ पर ट्रू डेविल काजुया एंजल जिन से ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अब मैं इन दोनों में प्रॉपर ठीक से बैटल करवाने वाला हूँ और तुम्हें ठीक से एक्सप्लेन करते हुए दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में भी बताऊंगा। सो इसलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर जिन फैंस की जलने वाली है। बट टेंशन ना लो, मेरे पास इसका भी एक रीजन है एंजल जिन के बारे में, तो सब कुछ ठीक से एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए जल्द से शुरू करते हैं एंजल जिन वर्सेस ट्रू डेविल काजुया। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि मैं इस बैटल में जिन और काजुया के ह्यूमन फॉर्म्स और हाफ डेविल फॉर्म में बैटल नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो तुम्हें पहले ही पता है और मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया है। इसलिए अपने दिमाग में जिन और काजुया की पावर्स को लेकर 4 बॉक्स को क्रिएट कर लो जिसमें मैंने उनकी पावर लेवल्स को ऐड किया है। जैसे कि जिन और काजुया ह्यूमन फॉर्म में उनका पावर लेवल रहता है 10%, हाफ डेविल फॉर्म में पावर लेवल है 15%, ट्रू डेविल फॉर्म में पावर लेवल है 25% और एंड के एंजल फॉर्म या ट्रू डेविल फॉर्म में पावर लेवल है 50%। तो इस चार्ट को याद रखना, ये आगे बहुत काम आएगा। और हाँ, ये भी बता देता हूँ कि ये जो मैंने पावर लेवल्स की बात की ये ऑफिशियल नहीं है, इसे मैंने खुद ही क्रिएट और प्रिडिक्ट किया है ताकि मैं तुम्हें ठीक से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अब सबसे पहले एंजल जिन और ट्रू डेविल काजुया के एक्टिवेशन के बारे में जान लेते हैं कि दोनों का फॉर्म कब और कैसे एक्टिवेट हुआ। तो पहले बात करते हैं ट्रू डेविल काजुया के बारे में। सो स्टोरी मोड में हम सभी ने देख लिया था कि काजुया काफी टाइम से ज़ाफिना के पीछे पड़ा था क्योंकि इसकी बॉडी में अजाज़ेल सील हो रखा था। इसलिए काजुया ज़ाफिना को मार अजाज़ेल को फ्री कर उससे फाइट कर उसे डिफीट कर अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और एक न्यू फॉर्म कॉल्ड ट्रू डेविल काजुया में ट्रांसफॉर्म होता है। और वहीं जिनको अपना फॉर्म उसकी मदर के चलते प्योरिफिकेशन से मिलता है। एंड नाउ अब बात करते हैं दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू डेविल काजुया, सो ये जब जब अपने न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तब तब ये अपनी स्किल्स और पावर्स को इम्प्रूव कर बढ़ा लेता है। और टेकनेट में काजुया को अजाज़ेल पावर्स मिलने के बाद तो ये अजाज़ेल के जैसे भी अटैक कर पा रहा था, जिसमें सबसे स्पेशल अटैक है क्रिस्टल अटैक, जिसमें काजुया अपने ओल्ड मूव्स में भी क्रिस्टल को ऐड कर उसे और भी पावरफुल बना देता है। इवन अब काजुया अजाज़ेल के क्रिस्टल को समन कर उससे लेजर भी अटैक करवा सकता है। और काजुया के पास अजाज़ेल की एक और पावर है ऑरा रिलीजिंग, जो कि एक तरह से अजाज़ेल का रेजार्ट है, जिसमें अगर ये अटैक ओपोनेंट को हिट होता है तो उसकी 90% हेल्थ खत्म हो जाती है। और अब यही पावर काजुया भी यूज कर सकता है। एंड ऐसी करके काजुया के पास अजाज़ेल की और भी बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज है जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल बनता है। और इसके अलावा काजुया के पास खुद की भी डेविल्स पावर है जिससे उसकी पावर्स और भी बढ़ जाती है। जैसे काजुया लेजर बीम अटैक कर सकता है, सुपर फ्लाई कर सकता है, उसमें सुपर स्ट्रेंथ है, सुपर ड्यूरेबिलिटी है, सुपर एजिलिटी है एंड और भी कई सारे सुपर पावर्स के साथ काजुया फाइट में अपने मिशिमा फाइटिंग स्टाइल का भी यूज करता है। और अब यही बात करें एंजल जिन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो ये भी फाइट के टाइम मिशिमा प्लस काजामा दोनों ही फाइटिंग स्टाइल यूज करता है। इसलिए एंजल जिन में हमें कुछ मूव्स ट्रू डेविल काजुया के जैसे दिखते हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फिस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली आप दोनों ही मिशिमा फाइटिंग स्टाइल का यूज करते हैं। बट एंजल जिन में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंजल जिन ने काजुया के जैसे किसी को एब्जॉर्ब नहीं किया था, इसलिए एंजल जिन के पास ट्रू डेविल काजुया के जैसे अजाज़ेल की पावर्स नहीं है, उसकी पावर्स खुद ही एक्टिवेट हुई है विद काजामा से प्योरिफिकेशन, जिसमें वो टेलीपोर्ट, लेजर बीम, सुपर फ्लाई, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर एजिलिटी एंड और भी कई सारे पावर्स के साथ एंजल जिन फाइट में डेविल जिन के मूव्स और कॉम्बोस का भी यूज करता है। इसलिए एंजल जिन में ज्यादातर मूव्स डेविल जिन के दिखते हैं। बट एंजल जिन में भी खुद की भी कुछ स्पेशल पावर्स है, जैसे कि एंजल जिन अपने हाथों से ब्लेड निकाल सकता है, कई डिफरेंट लेजर बीम अटैक कर सकता है और मेरा सबसे फेवरेट जो ट्रू डेविल काजुया भी नहीं कर सकता,
था क्योंकि एंजल जिन फाइट के टाइम अपनी हेल्थ को फिर से बढ़ा सकता है, खासकर तब जब एंजल जिन टेलीपोर्ट होकर अटैक करता है तब उसकी हेल्थ काफी तेजी से बढ़ने लगती है, जो कि हमें इस बात को फुल्ली एक्सप्लेन करता है कि एंजल जिन में भले ही काजुया के जैसे बहुत सारी पावर्स नहीं है बट उसमें बहुत ही कमाल का और सुपर फास्ट हीलिंग एबिलिटी है। इसके अलावा दोनों के रिजल्ट को भी एक बार देख लेते हैं, जिसमें काजुया अपने रिजल्ट में क्रिस्टल्स के थ्रू एक ब्लैक होल टाइप कोई चीज बनाता है और अपनी लेजर बीम मिक्स कर अपोनेंट पर अटैक करता है, और भाई एंजल जिन के रिजल्ट में जिन अपोनेंट को हेवन में ले जा चेन से बांध अपने ब्लेड से अटैक करता है, और दोनों का ही रिजल्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर अपोनेंट की हेल्थ फुल भी हो और एंजल जिन या ट्रू लेवल काजुया की हेल्थ कम हो, वो रेज स्टेट में हो, तो भी दोनों का रिजल्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपोनेंट को केओ कर देता है। बट हमने स्टोरी मोड में काजुया और जिन को एक दूसरे का रिजल्ट खाते हुए देखा था, जिसमें दोनों को ज्यादा कुछ चोट नहीं लगी थी, बट अदर कैरेक्टर्स के अपोजिट वो एक ही बार में केओ होते हैं चाहे उनकी हेल्थ फुल ही क्यों ना हो। सो ये तो थे दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज, एंड अब चलो बात करते हैं दोनों ही कैरेक्टर्स के वीकनेसेस के बारे में। जैसे कि ट्रू लेवल काजुया की सबसे बड़ी वीकनेस है कि उसने अजल को एब्जॉर्ब कर अपनी बॉडी में उसे सील कर रखा है, इसलिए हमने स्टोरी मोड के इस सीन में देखा था कि अगर ट्रू लेवल काजुया की बॉडी को डैमेज होता है तो इसमें से अजल बाहर आने की कोशिश करता है, और ट्रू लेवल काजुया में एंजल जिन के जैसे सुपर फास्ट हीलिंग पावर भी नहीं है कि वो खुद को जल्दी से हील कर ले, इसलिए अगर फाइट में ऐसा होता है तो काजुया को वहां से भागना पड़ेगा। और भाई एंजल जिन की वीकनेसेस तो गेम में नहीं दिखाई गई है, बट अगर उसे ट्रू लेवल काजुया से कंपेयर करोगे तो उसमें ट्रू लेवल काजुया से कम पावर्स है। यहाँ मैं सुपर पावर्स की बात कर रहा हूँ। एंजल जिन ज्यादातर तीन ही सुपर अटैक करता है, फर्स्ट लेजर बीम, सेकंड टेलीपोर्टेशन और थर्ड ब्लेड अटैक, जबकि काजुया के पास अजल की पावर्स होने की वजह से उसमें सुपर पावर्स ज्यादा है। सो ये तो हो गई पावर्स और वीकनेसेस। तो आप बात करें रिजल्ट या विनर की, तो मैंने तुम्हें पहले इंट्रो में बता दिया था कि ट्रू लेवल काजुया एंजल जिन से ज्यादा पावरफुल है, और मैंने दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में भी बताया, तो विनर काजुया ही हुआ। बट बस यहीं तक, क्योंकि इसके आगे ट्विस्ट आने वाला है, बट उससे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि काजुया विनर कैसे हुआ, जबकि स्टोरी मोड में दोनों की ही पावर से इक्वल दिखाई गई है। तो अब उस चार्ट को याद करो जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था सभी फॉर्म्स के पावर लेवल्स के बारे में। तो जिन और काजुया का ह्यूमन फॉर्म और हाफ डेविल फॉर्म तो ठीक ही है, ये फॉर्म दोनों के पास है, बट टेकन 7 में हमने काजुया का एक और फॉर्म देखा था जब वो हियाची से फाइट कर रहा था, बट ये फॉर्म हमें जिन का कभी नहीं दिखा। जिन इसके बाद सीधे टेकन 8 में एंजल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, इसलिए अगर ये देखा जाए तो जिन का एंजल फॉर्म काजुया के डेविल फॉर्म के बराबर हुआ। और जैसे कि मैंने सभी फॉर्म्स के पावर लेवल्स के बारे में बताया, तो उसके अकॉर्डिंग तो एंजल जिन की पावर्स काजुया के इस डेविल फॉर्म की जितनी हुई, मतलब टोटल 50% है, क्योंकि जिन के पास तीन फॉर्म्स है जबकि काजुया के पास चार फॉर्म्स होने की वजह से उसका पावर लेवल 100% हुआ। अब यही कुछ लोगों के दिमाग में टेकन ब्लड विंजर्स मूवी के डेविल फॉर्म का ख्याल आ रहा होगा कि इस मूवी में हमने जिन का एक और न्यू फॉर्म देखा था, तो हो सकता है ये वही फॉर्म हो जो गेम में अभी तक नहीं दिखाया गया। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस फॉर्म को भी ऐड किया जाए तो जिन के पास चार फॉर्म होते हैं, बट फिर ऐसे ही तो काजुया के पास पांच फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि उसका भी तो न्यू डेविल फॉर्म मूवी में दिखाया गया था जिससे काजुया फिर आगे हो जाता है। इसलिए इस मूवी की बात नहीं करो तो बेटर है, और वैसे भी ये नॉन करन की कैटेगरी में आती है। तो यही सब रीजन के चलते मैंने काजुया को विनर बताया था। बट यहीं पर ही तो एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ट्रू लेवल काजुया एंजल जिन से ज्यादा पावरफुल है तो वो स्टोरी मोड में एंजल जिन को डिफीट क्यों नहीं कर पाया, इनकी पावर्स बराबर क्यों दिखाई गई है। तो इसका भी एक रीजन मेरे पास है कि जिनके हाफ डेविल फॉर्म के बाद वो सीधे जंप करके एंजल फॉर्म में एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो ऐसे फॉर्म में फाइट ट्रू लेवल काजुया से करेगा तो वो पक्का डिफीट होगा, ट्रू लेवल काजुया उसको भगा भगा के मारेगा। इसलिए हो सकता है डेवलपर्स ने सीधे जिन को उसका एंड फॉर्म ही दे दिया हो। बट फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ये फॉर्म जिनको मिला कैसे, क्योंकि काजुया का हमें समझ आता है उसने अजल को एब्जॉर्ब करके वो ट्रू लेवल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था, बट जिन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं किया, तो उसके पास ये फॉर्म कहाँ से आया। और हाँ, अब यहाँ ये मत मान लेना कि जून ने जिन को ये पावर दी होगी, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जून बस जिन को उसके फॉर्म को एक्टिवेट करने में हेल्प कर रही थी, जो जिन में पावर छुपी हुई थी जून बस उसे बाहर लाती है, इसलिए जिन नेचुरली एंजल फॉर्म को अनलॉक करता है बिना किसी को एब्जॉर्ब किए। सेम वैसे ही जैसे काजुया ने टेकन 7 में हियाची से फाइट के टाइम इस फॉर्म को अनलॉक किया था। सो घूम फिर कर वही बात आ रही है
कि जिनका ये एंजल फॉर्म काजुया के इस फॉर्म के बराबर है। सो अब मैंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कौन क्यों और कैसे, इसलिए तुम इसके बारे में मुझे कमेंट्स में अपनी राय बता सकते हो कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन विनर होगा। बाकी यही थी मेरी आज की वीडियो। ऐसी वीएस बैटल देखने में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और जाते हुए लाइक कर देना। और तुमसे मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।